पहले पैसे नहीं कमाती है, खाली बिल्डिंग बांधती नहीं, खाली घर बेचती नहीं, तो ऐसे सोशल एक्टिविटीज जो काम करते हैं उसको भी हेल्प करती है। और मैं हमेशा कहता हूँ ये रियल इस्टेट जो है, इसको जैसे कोविड पॉजिटिव को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तभी ये सेक्टर को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, बराबर है ना। और उस वक्त क्योंकि रियल इस्टेट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर, ये कितने लोगों को रोजगार देता है, मोर देन 200 अलाइड इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन रियल इस्टेट, ये भी बहुत मतलब 150-200 बराबर है ना, 250 बढ़ गया, 260 इधर से 10 बढ़ गया, तो 260-250 छोटी मोटी इंडस्ट्री इसके ऊपर डिपेंड करती है, और लाखों लोगों को रोजगार ये इंडस्ट्री देती है। और इसलिए हम लोग ने सोचा कि इंडस्ट्री मरी, अभी ऑक्सीजन नहीं दिया तो साफ हो जाएगी, बाद में मरने के बाद पानी पिलाने से क्या फायदा है। तो हम लोग ने डिसीजन लिया मुख्यमंत्री जी से, हम लोग ने कहा कि अभी इनको कुछ रिलैक्सेशन, सहूलियत, डिस्काउंट, स्टैम्प ड्यूटी प्रीमियम में दिया, स्टैम्प ड्यूटी में दिया, इंस्टॉलमेंट में पैसे भरने की सहूलियत दे दी, फिर बाद में एक ही साथ पैसे भरने थे वो सीसी से लेके ओसी तक भरने की भी सहूलियत दी, बराबर है ना, बराबर ना। तो ये कई आप लोगों को यहाँ पर जो आपकी रियल इस्टेट जो है ये रिवाइवल होने के लिए, रिवाइव होने के लिए हम लोग ने काफ़ी गवर्नमेंट ने भी हेल्प किए, हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि मैंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पे आप लोग रोजगार देते हो, कितनी छोटी बड़ी इंडस्ट्री डिपेंड करती है उसमें से क्या है, और जीडीपी भी अपना उसमें भी आपका योगदान बड़ा है ना, हाँ 9% जीडीपी है, मतलब ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग छोड़ नहीं सकते। कई लोगों ने कहा फिर और इंडस्ट्री आएगी हमारे पास सहूलियत मांगेगी, मतलब कौन सी आएगी, अभी ये रियल इस्टेट सेक्टर पे ही स्टील है, सीमेंट है, क्या क्या है, फर्नीचर है, हमका है, धमका है, तो सब लोग को तो मिलेगा ही ना फायदा। कई लोगों ने कहा कि एकनाथ शिंदे तो ये बिल्डर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बोला देखो अभी नहीं करेंगे तो मरेंगे, और उसमें से ये सपोर्ट करने की वजह से कितने कितनी तरह लोगों ने घर खरीदी के लिए, मेरे ख्याल से जब कोविड में जितना ट्रांजेक्शन हुआ वो पिछले 8-10 साल में नहीं हुआ था, ये बराबर ना। और सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कि भाई देखो स्टैम्प ड्यूटी सहूलियत आपको देते हैं तो जो घर खरीदी करता है, जो एंड यूजर है, हमारा कस्टमर है, उसको आप माफ करो, वो भी आप लोगों ने किया, ताकि बड़े नंबर्स पे लोगों ने घर परचेस किए और रेवेन्यू भी मिल गया, कॉर्पोरेशन को भी मिला, गवर्नमेंट को भी मिला, और आप लोग भी बच गए सब लोग, और ये सब बच एक गिव एंड टेक का मामला है, आप हेल्प करो तो हम लोग करेंगे, आप हम लोग करेंगे आप करो, तो ये सब बात है इसमें, तो आप लोगों ने सपोर्ट किया ही है, और ये आगे भी हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। नवी मुंबई महापालिका कमिश्नर, उन्होंने भी बहुत काम अच्छा किया है, यहाँ पर सिडको ने किया है, सिडको ने भी जब जब मैंने कहा, सीएम साहब ने कहा तो तुरंत इधर कोविड सेंटर बनाओ, उधर कोविड सेंटर बनाओ, तो तुरंत फटाफट खाली रोड बनाने वाले, घर बनाने वाले कोविड सेंटर भी बना दिया। MMRDA ने पहला BKC में 2 कोविड सेंटर बनाए, जैसे सीएम साहब ने बोला कि कोविड सेंटर बनाओ तुरंत बना दिया, तो ये सब पूरी यंत्रणा जो है ये काम कर रही थी। अभी कुछ यहाँ पर डिमांड जैसे नाटा साहब ने बोला है कि नवी मुंबई में देखिए, अभी मेट्रो का भी अपना स्टार्ट हो जाए नवी मुंबई का, हम दूसरा MTHL का जो ब्रिज है डायरेक्ट मुंबई कोस्टल से लेके डायरेक्ट नवी मुंबई लैंड हो गया, कितने मिनट में, 22 मिनटा मध्ये मुंबई कोस्टलचा म्हणजे वरळीतला माणूस डायरेक्ट नव्या मुंबईमध्ये 22 मिनटामध्ये येणार, ज्याला 1.5-2 घंटे ते लोक देते, ये फायदा भी होगा MTHL का जो है, और बाकी जेट्टी, गोल्फ कोर्स, फुटबॉल ग्राउंड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो हो रहा है अभी,
सब एक दूसरे, अब यहाँ डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, नवी मुंबई आगे बढ़ेगी। और ये कुछ आप लोगों की दिक्कतें है अभी, मेरे ख्याल से हम लोग आता अपन निर्णय पर घेतले ना यहाँ नवी मुंबई के लिए, जो नैना का प्रॉब्लम था, सिडको में कुछ प्रॉब्लम थे, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो हाइट रेस्ट्रिक्ट किया है उसको, उसमें भी अपन हेल्प कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोगों ने लेटर भेजा है, उसका भी काम शुरू है। UDCPR प्रमाणे पार्किंगचं जे आहे, हायकोर्टामध्ये ॲफिडेविट केलेलं आहे पार्किंगसाठी, ते ॲफिडेविट पण आपण कसं त्याच्यामधून मार्ग काढायचा तेही आपण बघतोय। पार्किंगचा मोठा विषय आपला आहे, तो करू। सिडको संजय जी, लेट फी कुछ ज्यादा कर रहे क्या? लेट फी सिडको का, हाँ मतलब वो आपका भी, अपना भी तकलीफ है, उनको थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा पर ना करेंगे अपन। तो CRZ का जो पूरा CRZ की सर्व प्रकरण जी है, ती देखी अपन MCZ मधे MCZM ते तुम्ही आहे ना तिकडे, त्याला आपल्याला त्यांचाच पण मार्ग काढायचा। हा पेंडिंग जे काय आहे तेही आपण करूया, आणि खऱ्या अर्थाने जे काय प्रॉब्लेम आहे ते आपण बसून आणखी सोडवूया। कारण रिअल इस्टेट जे आहे, रिअल इस्टेट सेक्टर म्हणजे क्रेडाई MCH आहे, यांना ज्या काही अडचणी आहे ते आपण नक्की दूर करू। म्हणजे ठाणे, नवी मुंबई, MMR सगळ्या या क्षेत्रामध्ये, कारण मोठ्या प्रमाणावर एक डेव्हलपमेंट होती आहे, मेट्रो येते आहे, मेट्रो मुंबई MMR पुरा मेट्रो 337 किलोमीटर 337 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क है, बहुत फायदा हो जाएगा। बड़े रोड कर रहे हैं हम लोग, फ्लाईओवर कर रहे हैं, ट्रैफिक कंजेशन जो है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए कई हम लोग, एक मुंबई से लेके थाना बोमन जी जो फ्रीवे है, फ्रीवे जहाँ बंद हो गया है वहाँ से शुरू करेंगे डायरेक्ट थाना से लेके वो मीरा भाईंदर का जो बड़ा फाउंटेन का ब्रिज बन रहा है नेशनल हाईवे का, उसको एलिवेटेड करके हम लोग जोड़ रहे हैं वहाँ पर, उसमें फायदा हो जाएगा। नवी मुंबई आणि मेट्रो आपल्या त्या मेट्रोला पण जोडणार ना आपण, आपल्या नव्या मुंबईमध्ये पण आपण खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रोजेक्ट करतोय। एअरपोर्टचं पण काम सुरू आहे, आणि खऱ्या अर्थाने आपण डेव्हलपमेंटच्या बाबतीमध्ये खूप आपल्याला शासन महापालिका या स्तरावर खूप आपल्याला काम करायचं आहे। म्हणून मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद या ठिकाणी देतो, कारण तुम्ही जे आहेत की शहर सुंदर असतात आणि तुम्ही ती सुंदर बनवता, म्हणजे डेव्हलपर लोक, बरोबर ना? डेव्हलपर जे आहेत, आता मी नेहमी सांगतो की 10 बिल्डिंगच्या मागे एक दोन बिल्डिंग तरी एक चांगल्या आयकॉनिक बिल्डिंग ज्या झाल्या पाहिजेत, आणि अफोर्डेबल बिल्डिंग देखील परवडणारी घरं पण आपल्याला लोकांना दिली पाहिजे। मोठी घरं जी आहेत तीही आपण बनवा, परंतु परवडणारी घरं देखील, अफोर्डेबल हाऊसिंग देखील आपल्याला बनवण्याची आवश्यकता आहे। आणि म्हणून मी तुम्हाला पुन्हा एकदा खूप खूप क्रेडाई MCHला मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो, और सभी लोगों को इसकी खुशी है कि क्रेडाई MCH आए। हमेशा कुछ भी है, ऐसी आपदा आती है, कोई भी संकट आता है, तो आगे बढ़ जाती है और हेल्प करती है एक दूसरे को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए मैं फिर एक बार क्रेडाई MCH आए को उनका अभिनंदन करता हूँ, और जिनको ये सम्मान जिनका हुआ है, जिनको नवी मुंबई रत्न पुरस्कार मिला, बाकी भी जो पुरस्कार मिले हैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि अभी आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, अभी आपका सम्मान हो गया है, और भी आपको हेल्प करना है समाज में। देखो, ये काम अच्छा होने के बाद जब उसका सम्मान होता है तो उसको लगता है मेरा किसी ने तो दखल दिया है, माझी कोणीतरी दखल घेतली, माझी कोणीतरी नोंद घेतली, ऐसा उसके दिमाग में आता है, दिल में आता है, और वो और ज्यादा काम करने लगता है। और जिनका सम्मान हुआ है, कितने लोगों का हुआ है? 60-70-50 साल
तो ये देखने के बाद और लोगों को भी लगता है, अरे इनका हो गया है, मुझे भी इनके जैसा काम करना है, तो मेरा भी हो जाएगा। तो समाज में अच्छा काम करने वालों की संख्या बढ़ जाती है और ये समाज को ही फायदा होता है, लोगों को ही फायदा होता है। इसलिए सभी लोगों को मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।